महाभारत के बाद भगवान शिव और पांडवों के बीच में जो हुआ वो आपको पता होना चाहिए। जैसे महाभारत खत्म हुई, पांडवों ने देखा कि उन्होंने अपने गुरु अपने भाई बंधु की हत्या की है और ये तो उनके लिए पाप है। उनको लगा कि उनको कर्मा से मुक्ति चाहिए। अब वो मुक्ति के लिए उनको भगवान शिव की जरूरत होगी। भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी चले गए क्योंकि उनको पता था कि भगवान शिव उन्हें काशी में मिलेंगे। लेकिन भगवान शिव महाभारत में जो बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई उससे नाखुश थे और भगवान शिव पांडवों को नहीं मिलना चाहते थे, तो वो गढ़वाल हिमालय में जाकर छुप गए। अब पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते गढ़वाल हिमालय जा पहुंचे। अब भगवान शिव ने देखा कि ये तो यहाँ भी आ गए, तो भगवान शिव ने अपने आप को बैल का रूप दे दिया और जमीन में अपना मुंह डालकर छुप गए। लेकिन भीम ने उस बैल को देख लिया और भीम को पता चल गया कि ये भगवान शिव ही होंगे, तो उन्होंने जाकर फटाफट से उस बैल की पूंछ पकड़ ली। अब अगर आप किसी भी बैल की पूंछ पकड़ोगे तो उस बैल को खड़ा होना पड़ेगा, तो अब भगवान शिव को भी बैल के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव ने अपने आप को पूरा एक ही जगह पर प्रकट नहीं किया। भगवान शिव ने अपने हम्प यानी कि जो बैल का हम्प होता है पीछे, उसको केदारनाथ में प्रकट किया। उनका जो हाथ होता है उसको तुंगनाथ में प्रकट किया। उनका जो नाभि और पेट वाला हिस्सा है वो मध्यमेश्वर में प्रकट हुआ। उनका जो फेस है वो रुद्रनाथ में प्रकट हुआ और उनका जो हेड है वो पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। इसीलिए अगर आप पशुपतिनाथ में जाएंगे तो आपको हेड के फॉर्म में शिवलिंग दिखेगा, अगर आप तुंगनाथ में जाएंगे तो हार्ट के फॉर्म में दिखेगा, मध्यमेश्वर में जाएंगे तो नाभि और पेट की फॉर्म में दिखेगा, और अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो एक हम्प के फॉर्म में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये बात हमारे भारतीयों को पता होनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को कम से कम लोगों को शेयर करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा ऐसी और